भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में इंदिरा बाल विहार स्थित उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी एक निडर साहसी महिला थी। उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में अनगिनत योजनाएं देश हित में लागू कर भारत को सशक्त भारत बनाया। जो देश भारत की तरफ गलत नजर से देखता था उस देश को उसी भाषा में जवाब देने का कार्य करती थी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के जयंती के अवसर पर हम सभी कांग्रेसी उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर महानगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आशुतोष तिवारी, सेवा दल यंग ब्रिगेड, प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी जोन हिमांशु धर द्विवेदी, जितेंद्र पांडे, ब्रज नारायण शर्मा, राजेश तिवारी, तौकीर आलम, धर्मराज चौहान, जय नारायण शुक्ला, प्रवीण पासवान, अनुराग पांडे, सुनीला देवी, राकेश मौर्य, देवेंद्र निषाद, धनुष, मनीष गौतम, एसपी सिंह, राजीव कुमार सिंह, रजनी देवी, प्रभा चतुर्वेदी, चौधरी एजाज हुसैन, रामानंद पांडे, विख्यात भट्ट, मुस्तफा अंसारी, राजेंद्र यादव, अमरनाथ यादव, विनोद तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, आज इंदिरा जी की जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। हम लोग भी गोरखपुर में जिला और महानगर के तत्वाधान में इंदिरा गांधी जी की आज जयंती पर जो देश के लिए कुर्बान हुई, मेरे खून का एक एक कतरा देश के काम आएगा, ऐसी आयरन लेडी, ऐसी भारत में महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के जयंती पर जिला और महानगर समस्त कार्यकर्ता कोटि कोटि नमन करते हैं और उनके चले कहे हुए सिद्धांतों के ऊपर हम सभी लोग चलने का प्रयास करेंगे। वो निडर महिला थी, उनके जैसे महिला निडर होने का हम सबको एक प्रेरणा देंगे कि इंदिरा गांधी जैसे निडर बने और साहसी बने और उनके विचारधाराओं पे चले।